दिव्य किचन किंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पनीर पराठे की रेसिपी बता रहे हैं। पनीर पराठा कैसे टेस्टी और स्वादिष्ट आप रेस्टोरेंट जैसा घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हो। पनीर पराठा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आप घर पे बड़ी आसानी से ला सकते हो। इसकी बहुत ही आसान रेसिपी बताएंगे हम आज आपको पनीर पराठे की। पनीर में कैसे क्या क्या चीज़ें डाली जाती है, क्या क्या चीज़ें नहीं डाली जाती है, उसकी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी हम ये देखिए। पनीर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हुआ है। ऐसे ही आसानी से आप पराठे घर पे बना सकते हो। चलो आइए ऐसे टेस्टी और स्वादिष्ट पनीर पराठा बनाने की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको अच्छे से घीस लेंगे इस टाइप से। इसको अच्छे से इसको घिसा जा रहा है पनीर को, अच्छे से इस टाइप से आप यूज करिए। देखिए हमने पनीर को अच्छे से घिस के तैयार कर लिया है। इसमें डालेंगे हम जीरा वन, चाट मसाला और थोड़ा सा डालेंगे जीरा। तो थोड़ा सा जीरा डाला है जिससे हमारे पराठे का टेस्ट बढ़ जाएगा जीरा डालने से। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया, हरा धनिया इस टाइप से। देखिए सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर के साथ नमक नहीं डाला है हमने, क्योंकि ऑलरेडी पनीर में नमक की मात्रा रहती है, इसलिए नमक डालोगे तो आपके पराठा में खारापन आ जाएगा और नमक ज़्यादा लगेगा आपको, इसलिए हमने इसमें यूज़ नहीं किया है नमक का। आप भी यूज़ नहीं करिए इसमें। थोड़ा सा और जीरावन बढ़ाएंगे इसमें टेस्ट लाने के लिए, और थोड़ा सा और चाट मसाला। ये चीज़ें डालने से आपके पनीर पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लोग सोचते हैं रेस्टोरेंट में इतना अच्छा टेस्ट कैसे आता है, तो यही मसाला यूज़ किया जाता है। ये देखिए इस टाइप से हम रोटी जैसा बेलेंगे आटे को। रोटी जैसा बेल लिया है हमने इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर का मसाला, जो हमने पहले बनाया था वो पनीर का मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से इसमें पनीर का मसाला ऐड किया गया है। इस टाइप से देखिए हमने मसाला ऐड कर दिया और पराठे को चारों तरफ से अच्छे से पैक करेंगे कि इसका मसाला बाहर नहीं आ जाए, इसलिए पराठे को अच्छे से पैक किया हमने। उसके बाद इसको बेल लेंगे इस टाइप से। देखिए इसको अच्छे से बेलेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, मसाला बाहर नहीं आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलते रहेंगे, हाथों से सारे बेला जा रहा है इसको अच्छे से। बेलन का यूज़ करेंगे हल्का सा इस टाइप से। देखिए हमारा पनीर का पराठा बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहा है। ऐड किया जाएगा इसको अच्छे से। देखिए गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इस टाइप से हमारा पराठा अच्छे से धीरे धीरे इसकी अच्छे से सिकाई हो रही है। ब्राउन होने के बाद इसमें अमूल का बटर ऐड किया जाएगा। इसी टाइप से आप पनीर का पराठा बनाएंगे। देखिए पनीर दिखने लगा है हमारा, बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा आपका पनीर का। इस टाइप से हमारा पराठा देखिए अच्छी तरीके से सीख चुका है। उसके बाद अमूल का बटर ऐड किया जाएगा इस पर। अमूल का बटर यूज़ कर रहे हैं हम, कौन सी भाव अच्छी कंपनी का ले सकते हो। फिलहाल हमने अमूल का बटर लिया है, चारों तरफ इसके बटर ऐड कर देंगे। दोनों साइड अमूल का बटर ऐड करेंगे अच्छे से। इसी टाइप से आप बटर लगाइए, बहुत ही टेस्ट आएगा इसका पराठे का। ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राउन ब्राउन हो चुका है। इससे पता चलता है कि हमारा पराठा अच्छे से सीख चुका है और अच्छे से सिकाई हुई है इसकी। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है हमारा आज, ब्राउन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से कलर आया है इसमें ब्राउन ब्राउन। इसी टाइप से आप पराठे बनाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पराठे लगेंगे आप। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रोज हमारे नए नए वीडियो देखना। धन्यवाद।